हाँ तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। पुण्य धनीटवाल। तो आपका पेपर कैसा हुआ? मेरा पेपर एवरेज हुआ। तो बेसिकली पेपर जैसे अपन जेई के रिलेवेंट बात करें तो जेई की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड था या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे कि जैसे नंबर मैथमेटिक्स की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो ऐसे में नंबर थ्योरी है ना और अपना जो ज्योमेट्री का पोर्शन है वो ज़्यादा पूछा जाता है, तो इस तरीके से था या बाकी मतलब इक्वली डिस्ट्रिक्ट वाले में ज्योमेट्री ज़्यादा थी और बाकी जो आगे के थे वो रैशनल नंबर्स और क्वाड्रेटिक्स से ज़्यादा रिलेटेड थे टू मार्क्स वाले, और फिजिक्स में ज़्यादातर जो थे वो सब कॉन्सेप्ट वाले ही थे, वो सब डेली लाइफ एग्जांपल पे बेस्ड थे। और बाकी जैसे क्या बोलते हैं जेई के लिए प्रिपरेशन कर ही रहे हो आप है ना, तो ऐसा आपको लगा कि जो पांच जो लास्ट के क्वेश्चन थे है ना उनमें ऐसे थे कि बहुत ज़्यादा टफेस्ट साइड है या करने लायक थे? मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टफ तो नहीं थे, केवल एक 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 दो दो क्वेश्चन पांच में से ऐसे थे जो आप बोल सकते हो कि हाँ वो एक एडवांस का लेवल टच कर सकते हैं, बाकी तो नहीं थे। और स्टार्टिंग के जो 15 क्वेश्चन थे मैथमेटिक्स में अगर अपन देखें तो मैथमेटिक्स में और केमिस्ट्री में मुझे इजी लगे, फिजिक्स में एक थोड़ा थे। चलिए ठीक है, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। यार नाम बता दो अपना। राघव चतुर्वेदी। राघव चतुर्वेदी। राघव यार ये बताओ ओवरऑल पेपर का लेवल तुम्हें कैसा लगा, एसए के पेपर का लेवल? मीडियम था। मीडियम था। अगर सब्जेक्ट वाइज रेट करें तो टफेस्ट सब्जेक्ट कौन सा था और इजीएस्ट कौन सा था? मेरा मैथ है इसलिए मुझे बायो का टफ लगा। अच्छा पीसीएम वाले हो तुम इसलिए मुझे बायो का टफ लगा। अच्छा और इजी कौन सा लगा? इजी मुझे केमिस्ट्री का लगा। अच्छा अच्छा हम ऐसे स्ट्रीम में देखते हैं कि जनरली जो 11th का पोर्शन होता है वो ज़्यादा आता है, 12th का काम आता है, अगर पिछले 5 साल के एनालिसिस देखें तो इस बार भी कुछ ऐसा ही था या फिर 12th का थोड़ा ज़्यादा आ गया था? नहीं ऐसा ही था। अगर रफली तुम परसेंटेज वाइज बता सकते हो कि कितना परसेंट 11th का था कितना परसेंट 12th का था? मतलब ऐसा कुछ 80-20 टाइप? 80-20 बिल्कुल। अच्छा कुछ फिजिक्स में 12th का ज़्यादा था, केमिस्ट्री में नहीं था, 12th का कम ही था। अच्छा अच्छा और केमिस्ट्री में बता सकते हो फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इनका वेटेज कैसा कैसा था? वो मैं नहीं बता सकता। अच्छा फ्यूचर एस्पायरेंट के लिए कुछ टिप्स देना चाहोगे कि किस तरह से प्रिपेयर करें ताकि अच्छा स्कोर कर पाए ऐसे के पेपर में? इसके लिए तो पास्ट ईयर के पेपर को सोल्व करना जरूरी है। चलिए थैंक यू राघव। हाँ तो सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। राजेश कुमार साहू। तो एक बार जैसे पेपर को अपन कैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में तो बायो तीनों चारों ही आता है इसमें है ना, तो सबसे ज़्यादा मेजर टफेस्ट पोर्शन कौन सा था अगर सब्जेक्ट वाइज देखा तो? मुझे तो मैथ्स लगा डिफिकल्ट, थोड़ा लंबा था बहुत ज़्यादा। अच्छा तो जैसे जेई वगैरह की प्रिपरेशन भी हल्की फुल्की कर ही रहे होगा आप लोग है ना, तो अगर अपन देखें तो जेई की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड था अगर पर्टिकुलरली मैं मैथ्स में पूछूँ तो? हाँ जेई में इंक्लाइंड था पर वो जो ज्योमेट्री का पार्ट था वो जेई में आता नहीं है, तो ज्योमेट्री का छोड़ के बाकी सारा इंक्लाइंड ही था। बिल्कुल। और जैसे मैथमेटिक्स में नंबर थ्योरी से अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और ज्योमेट्री से भी रहते हैं, तो इस तरह का भी इस बार भी था? हाँ इस बार भी ज्योमेट्री अलजेब्रा नंबर थ्योरी सब आया था। तो जैसे स्टार्टिंग के जो 15 क्वेश्चन थे उनमें मतलब इजीली हो रहे थे? स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन मैथ्स के थे वो थोड़े लंबे थे तो उसमें टाइम लगा थोड़ा, एक घंटे के आसपास। और जो लास्ट के 5 क्वेश्चन अपने आते हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा टफ थे या मतलब कर पा रहे थे 50% टाइप? मैथ्स में थोड़े टफ थे, बाकी सारे नॉर्मल ही थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सारे नॉर्मल। चलिए थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो यार नाम बता दो अपना। भुवन्यू। अभिमन्यू। भुवन्यू। भुवन्यू ठीक है। भुवन्यू यार बताओ पेपर का लेवल कैसा लगा तुम्हें? इजी था, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं था, प्लस में बेनिफिट मेरा पेपर लेटर हुआ था, काफ़ी टाइम बाद में हुआ डी। हाँ, हाँ। तो उसका एक बेनिफिट मिला हमें 12th के सेक्शन में। अच्छा सब्जेक्ट वाइज पेपर को कैसा रेट करोगे, कौन सा सब्जेक्ट टफ था कौन सा इजी था? क्योंकि मैंने पीसीएम लिया है तो मेरे लिए कंपैरेटिवली बायो फिर भी इजी थी, केमिस्ट्री वॉज नाइस ईजी, फिजिक्स और मैथ्स ठीक थे, नॉर्मल लेवल था। अच्छा हम लोग ऐसा देखते हैं ना ऐसे में 11th का पोर्शन ज़्यादा आता है 12th का थोड़ा कम आता है, तो इस बार भी ऐसा ही था या फिर किस सब्जेक्ट में ऐसा था कि रिलेटिवली 12th ज़्यादा आ गया हो? 12th था, फिजिक्स में अच्छा था 12th, काफ़ी अच्छा पार्ट था 12th का, बाकी में नॉर्मल था। अच्छा फ्यूचर एस्पायरेंट के लिए कुछ टिप्स देना चाहोगे? वो पार्ट करो जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग हो, स्टार्ट विथ केमिस्ट्री और बायो क्योंकि जल्दी खत्म हो जाएंगे, पेपर छूटने का चांस नहीं रहेगा, दैट्स द मेन थिंग। चलिए थैंक यू। वेलकम। हाँ तो यार सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रोशन तोड़कर है। अच्छा आपका पेपर कैसा हुआ? मेरा ठीक गया, मतलब 50% हो गए मेरे से। अच्छा अच्छा बहुत अच्छी बात है। अच्छा मैं ये चीज़ पूछ रहा था जैसे कि अपन पीसीएम और बायो इन चारों का देखें तो सबसे ज़्यादा टफेस्ट आपको कौन सा सब्जेक्ट लगा? मुझे फिजिक्स थोड़ा टफ लगा। अच्छा, बाकी अच्छा। मतलब और मैथ्स का भी मतलब सेकेंड पार्ट जो थे पेपर में वो ज़्यादा टफ लगा फर्स्ट पार्ट से, और मतलब बायो और केमिस्ट्री तो ईजी लगा मुझे काफ़ी। तो
तो जैसे मैथमेटिक्स में अगर मैं बोलूँ, मैं मैथ्स ही पढ़ाता हूँ बेसिकली, तो मैथ्स में जो 15 स्टार्टिंग क्वेश्चन होते हैं वो इजीली हो पा रहे थे? या हाँ, पहले 15 काफ़ी इजी थे मतलब, और जो 5 क्वेश्चन थे अपने उनका, हाँ वो मतलब ठीक लेवल थे, हो जाते थे, 2-3 हो जाते थे, बाकी 2-3 टफ थे सेकंड पार्ट में। और जैसे कि नंबर थ्योरी से क्वेश्चन मतलब ऐसे में आते हैं, और ज्योमेट्री वगैरह भी काफ़ी यूज़ होती है, तो इस बार भी वैसा देखने को मिला ही था? हाँ मतलब फर्स्ट पार्ट में ज्योमेट्री के 4-5 क्वेश्चन थे और नंबर थ्योरी के भी 1-2 क्वेश्चन थे। और बाकी मतलब जेई के लिए आप तैयारी वगैरह कर ही रहे होगे, तो सिलेबस जो उससे भी आपकी काफ़ी हेल्प तो मिली होगी? हाँ काफ़ी। चलिए थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो, नाम बता दो अपना। प्राची शर्मा। प्राची, प्राची ठीक है। प्राची यार बताओ, ओवरऑल पेपर का लेवल तुम्हें कैसा लगा? ठीक था, एवरेज था, मतलब इतना भी बुरा नहीं था, मतलब इतना भी टफ नहीं था, इतना भी इजी नहीं था, मतलब ठीक लेवल था। अच्छा, टफेस्ट सब्जेक्ट की बात करूँ तो कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें टफ लगा? मैथ्स, थोड़ा कैलकुलेटिव था, मैनिपुलेटिव था। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं मैथ्स इसलिए टफ लगा क्योंकि तुम पीसीबी वाले हो? नहीं नहीं, मैं मैथ्स वाली। अच्छा अच्छा अच्छा, और इजी सब्जेक्ट कौन सा लगा? केमिस्ट्री काफी इजी था। केमिस्ट्री काफी इजी था। अच्छा, हम लोग ऐसे में ऐसा देखते हैं कि जनरली ऐसा होता है कि 12th का पोर्शन कम आता है काफी, 11th का ज्यादा आता है, तो किसी सब्जेक्ट में ऐसा लगा तुम्हें कि यार 12th से ज्यादा आ गया हो? नहीं ऐसा नहीं था, 11th का ही पोर्शन था, मतलब मेजरली 11th ही था। हाँ। हम ऐसा बोल सकते हैं कि 80% तक 11th था, 20% 12th वगैरह आ गया हो? हाँ, ऐसा ही कुछ था। अच्छा, अगर केमिस्ट्री में मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री में तुम ये बता सकते हो फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इनका वेटेज कैसा था? ऑर्गेनिक का वेटेज थोड़ा कम था, फिजिकल और इनऑर्गेनिक का थोड़ा ज़्यादा था। अच्छा, फ्यूचर एस्पायरेंट के लिए कुछ टिप्स देना चाहोगे किस तरह से ऐसे की प्रिपरेशन करें? ऐसे के लिए जैसे प्रीवियस ईयर पेपर करना, इस तरह का कुछ? हाँ, प्रीवियस ईयर पेपर तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी से हमें आइडिया लगता है कि ना कैसे आगे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और इसके अलावा एक्स्ट्रा मटेरियल जैसे कि कुछ मतलब डीप में पढ़ना थोड़ा ज़रूरी है इसके लिए, और मैथ्स में मैनिपुलेशन सीखना ज़रूरी है। थैंक यू प्राची। थैंक यू। हाँ तो यार, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मैं प्रतीक गुप्ता। प्रतीक गुप्ता, अच्छा तो आपका पेपर कैसा हुआ? मेरा पेपर अच्छा हो गया, बढ़िया था। अच्छा, अगर अपन देखें पीसीएमबी आपको सबसे ज़्यादा टफ कौन सा लगा सब्जेक्ट? बायोलॉजी में पढ़ मतलब इंजीनियरिंग में हो तो बायोलॉजी तो आती नहीं मेरे को, तो वही टफ लगा, वही टफ लगा। बाकी अगर पीसीएम में देखें, है ना, जबकि आपने जेई की तैयारी कर रखी है, तो उसमें कौन सा ज़्यादा टफ लगा? उसमें वो केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, ओके। तो अच्छा ठीक है, मतलब तो मैथमेटिक्स फिजिक्स आपकी अच्छी होगी ऐसा? फिजिक्स मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, केमिस्ट्री नहीं। चलो बढ़िया बात है। तो मैथमेटिक्स में जो जैसे स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन थे, है ना, फिजिक्स में 15 क्वेश्चन एंड मैथ्स में और ऑफकोर्स केमिस्ट्री में, वो इजीली हो जा रहे थे या फिर मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी? नॉर्मल था क्योंकि अभी 11th का भी आ रहा था शुरू के चैप्टर्स, तो वो थोड़े बहुत कम रिवाइज नहीं थे और याद भी कम थे, तो उस चक्कर में बाकी हो रहा था ऐसे। चलो बढ़िया। और लास्ट के जो 5-5 क्वेश्चन थे वो इजीली हो पा रहे थे या बहुत प्रॉब्लम आ रही थी? बहुत थोड़े टफ थे। चलिए 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 फिर, थैंक यू सो मच। यार नाम बता दो यार अपना। प्रत्युष। प्रद्युम्न। प्रत्युष। प्रत्युष, अच्छा प्रत्युष यार ये बताओ कि पेपर का लेवल तुम्हें कैसा लगा? पेपर मॉडरेट था, मतलब कि थोड़ा सा मतलब पहला पार्ट काफ़ी मतलब पहला पार्ट ठीक ठाक था और दूसरा पार्ट काफ़ी डिफिकल्ट था। अच्छा, सब्जेक्ट वाइज कैसे रेट करोगे, कौन सा सब्जेक्ट टफ था कौन सा इजी था? सब्जेक्ट वाइज तो मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे लिए तो मेडिक बायोलॉजी सबसे टफ होगा। अच्छा, मोस्टली सब बच्चों का कॉमन ही आंसर है कि यार हम पीसीएम वाले हैं तो बायो ही हमारे लिए टफ था। अच्छा, इजी की बात करें तो कौन सा इजी लगा? मेरा मैथ्स हमेशा फेवरेट रहा, तो मैथ्स ही इजी है। अच्छा, मैथ्स इजी लगा, मैथ्स ऐसे कैलकुलेटिव लेंदी इस तरह का नहीं लगा? मैथ्स लेंदी था थोड़ा सा, बट हो गया। अगर हम लोग बात करें जैसे ऐसी स्ट्रीम में क्या होता है कि 11th पोर्शन मेजरली आता है, 12th थोड़ा सा कम आता है रिलेटिवली, तो किस सब्जेक्ट में ऐसा लगा कि यार 12th थोड़ा ज़्यादा आ गया हो या किसी पर्टिकुलर 12th के किसी टॉपिक के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ ले गए हों? केमिस्ट्री लगभग पूरा 12th का ही था। पूरा 12th था केमिस्ट्री लगभग, जितना मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो सारा लगभग 12th का क्वेश्चन। मतलब ऑर्गेनिक में शायद ऐसा होगा रिएक्शन मैकेनिज्म के ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। हाँ, उसमें रिएक्शन मैकेनिज्म से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा था, और बाकी मतलब ओवरऑल मिक्स था, बट ऑर्गेनिक में काफ़ी ज़्यादा पूछा था। फ्यूचर एस्पायरेंट के लिए कुछ टिप्स देना चाहोगे कैसे ऐसे के लिए प्रिपेयर करें? अब मतलब जैसे पास्ट ईयर के पेपर सॉल्व कर लो, बुक्स पढ़ लो, या फिर थ्योरी को डीपली पढ़ें, या फिर एक्सरसाइज ज़्यादा सॉल्व करें, क्या करना चाहिए? हाँ, सबसे पहली बात तो क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आइडिया मिलेगा कि कैसे बन कैसे आएगा क्या होगा, तो वो, और ऊपर से क्लास नोट्स वगैरह पढ़ना और थ्योरी मतलब बेसिक वही है कि जो नॉर्मल रेगुलर है वो करना है। ठीक है, थैंक यू।